मुसलमान नहीं हूँ। हमारा जो सारा वनस्पति ये उगाती है उसका उगा हुआ हम खाते हैं, हम कभी नहीं कहते हमारा धर्म नहीं कहता इसका उगा ना खाओ। जो खुदा यहाँ नहीं है वो कहाँ है? कृष्ण शास्त्री जी है लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मरते दम तक मैं हिंदू राष्ट्र की मांग करूंगा। क्यों मांग होने लगी हिंदू राष्ट्र? अभिव्यक्ति का अधिकार है। अब ये व्यक्ति फौज की नौकरी कर रहा है, डिसिप्लिन फोर्स होती है, लेकिन शाम को ये भी व्हाट्सएप पे मीडिया पे डाल सकता है, भाई खाना अच्छा नहीं था आज, ऐसी जगह ड्यूटी लगाई कम से कम था तो कर लेते। तो अभिव्यक्ति के अधिकार को भी आप छीनेंगे क्या? ये अभिव्यक्ति संविधान भी तो कोई चीज है, संविधान ने ही तो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया मैडम। तो संविधान ने ही दिया, वही बात कर रहे हैं। दूसरे धर्म जो यहाँ पे रहते हैं लगातार उनको उनके उनके अटैक्स किया जा रहा है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पे, ईसाई भी रहते हैं यहाँ पे, मुस्लिम भी रहते हैं, उनको क्यों लगातार? सर सैयद अहमद खान साहब जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया, जो तमाम जिंदगी वाइस चांसलर रहे, उन्होंने कहा ये आर्य समाज के लोग मुझे मुसलमान बोलते हैं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते? इस धरती के बीज से, जो भी धरती के आंचल से बीज उगा वो कोई नहीं है हिंदू के अलावा, वो मुसलमान नाम की चिड़िया ही नहीं है। अरे इस धरती में जिसको हम भारत माता माँ का नाम देते हैं, हमारा जो सारा वनस्पति ये उगाती है उसका उगा हुआ हम खाते हैं, हम कभी नहीं कहते हमारा धर्म नहीं कहता इसका उगा ना खाओ। कहता है कोई धर्म? कभी आपने कहा दुकान पे कि भाई ये हिंदू के घर की चीनी है क्या, या ये बौद्ध के घर की चीनी है, ये मुसलमान के शुगर फैक्ट्री का शुगर तो नहीं है, ये दारू किसने बना रखी है? कभी हम पूछते हैं? तो फिर हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ, भारतवर्ष में जो पैदा हुआ, क्योंकि हिंदू आए थे इंडस से, ठीक है, इंडस है नदी का नाम, उसके आसपास बसे हैं ये लोग। ये लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, राइट। अब इन्होंने जानवरों को ही मारना शुरू कर दिया। अरे जो रक्षक थे वही भक्षक बनेंगे, तो भाई फिर तो हमें कहना पड़ेगा ना भाई हमारा हिंदू के जो लोग थे, जो उनके संस्कार हैं, जो परंपरा है, जो सनातन है, जो पुरातन है, जो आदि है, अनंत है, जो इस रम रम में बसा है, पेड़ में बसा है, नदी में बसा है, फलों में बसा है, पेड़ में बसा है, आप में भी बसा है, धरती में भी बसा है, आपके कैमरे में बसा है, इनमें भी बसा है, उसकी मांग करने से क्या दिक्कत है? हम किसी को ये थोड़े कह रहे तुम छोड़ के भागो, हिंदू रहेंगे क्या? मुस्लिम देश जो 59 देश मुस्लिम देश है ना, 73 देश क्रिश्चियन देश हैं, उस किसी देश ने कहा कि तुम हिंदू यहाँ पे हैं भाग जाओ? किसी मुसलमान देश ने कहा तुम हिंदू नौकरी करे भाग जाओ? दुबई में कितने हिंदुस्तान के बच्चे काम करते हैं आपको शायद पता नहीं है, 70 लाख बच्चे हैं हमारे हिंदुस्तान में जो दुबई में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, हिंदुस्तान भेजते हैं। किसी को कहा तुम भाग जाओ यहाँ से? देखो आप इतने अच्छे से परिधान पहन के आई हो, ब्रिटेन में वहाँ पे होती, लंदन में तो थोड़ा बहुत ढकती, श्री राम की भूमि पे रहना होगा तो श्री राम की बातों को भी मानना होगा, तो श्री राम कहना हो कहना कह दीजिए, क्या दिक्कत है? अल्लाह एक बार तेरे नाम एक को नूर है बसाया जग बीच, सारा एक ही मामला है ना। और फिर अगर आप कहते हो अलग है तो मुझे बता दो, जो खुदा यहाँ नहीं है वो कहाँ है? जो यहाँ से जुदा है वो वहाँ से भी जुदा है। अगर आप कहते हो नहीं साहब श्री राम नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं, आप मुसलमानों का अल्लाह है या क्रिश्चनों का जो है वो जीसस है वो ही है, तो आप मुझे बताओ ना कहाँ लटक रहा हो? कहीं नहीं लटक रहा बेटा। तो इस बात को आप अदरवाइज मत लो, हर आदमी को अभिव्यक्ति है। ये भाई साहब देखो पूछ के बनाए थे, मैं काला कैमरा ले जा रहा हूँ, काला ड्रेस लेंगे आपसे, आपने मुझे पूछा था ये इतनी सुंदर ड्रेस पहन के आओगी ताकि मैं भी लगूं कोई हीरोइन आई है भाई कोई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।